नमस्कार दोस्तों, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी देवली क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपने सभी ई लेक्चर मेरे पूर्व में सुने होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध है बीए थर्ड ईयर से सोशियोलॉजी के पेपर फर्स्ट, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आज हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा उसमें हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसका संबंध होगा ऑगस्ट कॉकरेल से, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो आज के जो हमारे टॉपिक में हम जो चर्चा करेंगे वो मूल रूप से तीन बिंदुओं पर आधारित होगी। फर्स्ट पॉइंट हम करेंगे ऑगस्ट कॉन्टे के जीवन परिचय से। सेकंड हमारा रहेगा उन्होंने जो प्रमुख कार्य किए अपने जीवन में, उन्होंने जो भी वर्क किया उसके संदर्भ में। और थर्ड उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जो भी उनकी ऐतिहासिक कृतियां रही है उसकी हम चर्चा इसमें करेंगे, उनकी प्रमुख पुस्तकों के संदर्भ। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पा रहे हैं ऑगस्ट कॉन्टे की फोटो। मैं आप सभी जो स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यदि आपको कोई भी थिंकर याद करना है तो आपको उसको यदि मेमोराइज करना है तो आप उसे विजुअलाइज तरीके से याद कीजिए, अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बना के रखिए। तो आप देखिए कि ये थे फादर ऑफ सोशियोलॉजी। जिस प्रकार हमारे सभी के घर में फादर और मदर होते हैं, उसी प्रकार हमें हमारे सब्जेक्ट के फादर की इमेज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कॉन्टे के जीवन परिचय के बारे में। तो इनका जन्म 19 जनवरी 1798 को हुआ और फ्रांस के एक मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर हुआ। कॉन्टे के माता पिता कैथोलिक धर्म के थे, वो जो कट्टर होते हैं वैसे थे, इसलिए उनकी घर में कम बनती थी और वो परंपराओं से पूर्णतया विरोधी भी थे, इसलिए उनके विचार उनके पिताजी से मेल नहीं खाते थे। और यह जानकर भी आपको आश्चर्य होगा कि कॉन्टे न केवल महान समाजशास्त्री थे बल्कि बचपन में उनकी रुचि गणित में थी और वो बहुत नियमित रूप से पढ़ाई करते थे। उन्हें पता था कब और कितना पढ़ना है। विद्यार्थी जीवन काल में उनमें कुशल नेतृत्व की भी क्षमता बहुत अधिक थी। इसके अतिरिक्त ये जो फ्रांस के प्रतिभाशाली ऑगस्ट कॉन्टे थे, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स नाम दिया और बाद में उसका नाम परिवर्तित होता हुआ समाजशास्त्र पढ़ा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ये समाजशास्त्र के शुरुआती विचारकों में थे, शुरुआती संस्थापकों में से थे। इनसे पूर्व भी कई लोगों ने या कई समाजशास्त्रियों ने समाज को बदलने की चेष्टा की, पर उनकी जो योजनाएँ थी वो व्यवहारिक नहीं थी, धरती पर कम और आकाश पर अधिक लागू होती। उस समय ऑगस्ट कॉन्टे ने आके समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी नीतियों पर आधारित या प्रत्यक्षवादी प्रणालियों का प्रयोग कर समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया। हालांकि कॉन्टे बहुत अधिक मानसिक परिश्रम करते थे, इसलिए उनकी जो निधन हुआ वो कम आयु में ही हो गया, मात्र 59 वर्ष में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1857 को हो गई, लेकिन इतने कम आयु में भी उन्होंने कई ऐतिहासिक कार्य किए। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कॉन्टे के विचार जैसे उनके परिवार में मेल नहीं खाते थे, ऐसे जिन लोगों को वो अपना बौद्धिक गुरु मानते थे जैसे सेंट साइमन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जिनके साथ वो रहे, उनके साथ भी उनके विचार मेल नहीं खा पाते थे। इसीलिए उन्होंने अपने विचारक या अपने गुरु रहे सेंट साइमन पर आरोप लगाया कि वे ढोंगी और पाखंडी है, क्योंकि उन्होंने उनके विचारों का या उनके जो कार्य था उनका गलत प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त कॉन्टे का जो पारिवारिक जीवन था वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा, वैवाहिक भी अच्छा नहीं रहा। 1825 में उनका विवाह कैरोलिन कॉरेलिन मैसिन से हुआ, लेकिन शीघ्र ही उनका 1842 में विवाह विच्छेद हो गया। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही। उनके जीवन में ऐसे भी दिन आए जब उनको 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिल पाया और एक समय तो उनके जीवन की परेशानियों से उनका मानसिक संतुलन यहाँ तक बिगड़ गया कि उन्होंने पानी में डूबकर आत्महत्या करने तक का भी प्रयास। तो ऐसा नहीं है कि वो इतने बड़े विचारक थे तो उनका जीवन बिना संघर्ष के गुजर गया हो, उन्होंने भी जीवन के पग पग पर संघर्ष को देखा, तब जाके वो इतने महान विचारक बन पाए।
शुरुआत में हमने कॉम्टे का जीवन परिचय देखा, अब हम बात करेंगे कॉम्टे ने जो प्रमुख कार्य किए। जो उनकी सर्वप्रथम चर्चित कार्य रहा वो रहा तीन स्तरों का नियम, लॉ ऑफ थ्री स्टेट। इसमें उन्होंने जो हमारे पूर्वज हैं बंदर और जो आधुनिक जो सभ्य मानव जिसे हम कहते हैं वर्तमान में, उस क्रम को बताया, अर्थात मानव के बौद्धिक विकास के क्रम को इस तीन स्तरों पर उन्होंने समझाया 1822 में। पहला स्टेज था धार्मिक स्तर, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि सब कुछ अलौकिक शक्ति और ईश्वरी इच्छा पर आधारित था, अर्थात सब कुछ ईश्वर ही प्रमुख था, उसमें ईश्वर ही की इच्छा से ही सब कुछ होता था, धर्म प्रधान था। दूसरे स्तर में उन्होंने बताया कि अमूर्त शक्ति अब जीवों में अंतर्निहित है और यही समस्त घटनाओं को उत्पन्न करती है, अर्थात थोड़ा विकास की तरफ कदम हुआ। और जो थर्ड स्टेज थी, वैज्ञानिक या साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज कहते हैं इस स्टेज, ये पूर्णतः वैज्ञानिक और प्रगतिवादी ज्ञान पर बल या प्रत्यक्षवादी ज्ञान पर बल देती थी। अब जो हम देख पा रहे हैं उनका जो प्रमुख कार्य है, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, विज्ञानों का संस्करण, अर्थात हायरार्की ऑफ साइंस। इसमें इन्होंने कुछ हायरार्कियां बताई, जिसमें इन्होंने गणित शास्त्र को सबसे बुनियादी स्थान दिया है, सबसे पूर्व और सबसे प्राचीन इसको माना है। उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट साइंस है वो खगोल शास्त्र, जिसे एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। थर्ड पे उन्होंने फिजिक्स रखा, फोर्थ रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री, फिफ्थ पे प्राणी शास्त्र, बायोलॉजी और लास्ट सोशियोलॉजी रखा। ये इन्होंने संस्करण निर्भरता वृद्धि क्रम के आधार पर किया। उनके अनुसार गणित शास्त्र सबसे बुनियादी है जो निर्भर नहीं है, इसलिए इसको सबसे पहले। खगोल शास्त्र है वो गणित पर निर्भर है, भौतिक शास्त्र खगोल और गणित पर निर्भर है, इसी प्रकार रसायन भौतिक खगोल गणित पर है, प्राणी इन सभी पर है, और समाज शास्त्र प्राणी शास्त्र रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र खगोल शास्त्र गणित शास्त्र सब पर निर्भर है। इस संस्करण में समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की तुलना में सर्वाधिक नवीन, सबसे अधिक पराशिष्ट और विशिष्ट तथा जटिल माना, क्योंकि समाज की समस्याओं को उन्होंने सामान्य नहीं माना, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है, इसी प्रकार गणित और खगोल शास्त्र के नियम भी एक समान ही रहते हैं, पर चूंकि मानवीय मस्तिष्क और मानवीय व्यवहार इतना अधिक जटिल है कि उसे सामान्य नहीं माना जा सकता, बहुत ही जटिल है, इसीलिए समाजशास्त्र को सर्वाधिक नवीन, सबसे अधिक निर्भर, विशिष्ट और जटिल विज्ञान माना गया। अपने अन्य कार्य में इन्होंने जो चर्चा की वो थी समाजशास्त्र को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। फर्स्ट भाग रहा सोशल स्टेटिक्स और सेकंड पार्ट रहा सोशल डायनामिक्स, अर्थात सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति विज्ञान। इन्होंने समाजशास्त्र का विभाजन किया। सामाजिक स्थिति विज्ञान में इन्होंने समाज को एक पूर्ण विभाग के रूप में माना। इस प्रकार हम प्राणी शास्त्र या शरीर रचना शास्त्र के अध्ययन में करते हैं प्राणी शास्त्र में, कि समाज शास्त्र कोई खंड खंड नहीं है, उसका अध्ययन एक पूर्णता के रूप में किया जा सकता है और अलग अलग अंगों का कोई विशेष महत्व नहीं है। उनका महत्व तभी है जब वो एक साथ हो, एक पूर्ण हो, जैसे शरीर के अंगों का होता है। दूसरा, उन्होंने सामाजिक गति विज्ञान जिसे हम सोशल डायनामिक्स कहते हैं, इसके अनुसार मानव का जो विकास तथा प्रगति का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, इसके अंतर्गत भी निश्चित नियम आ जाते हैं जिसके अनुसार समाज का क्रमिक विकास एवं परिवर्तन होता है। जैसा नाम से स्पष्ट है कि वो सामाजिक स्थिति विज्ञान समाज की पूर्णता को बनाए रखता है और गति विज्ञान गतिशीलता पर जोर देता है। इनकी एक और प्रमुख थ्योरी रही है जो ध्यान रखना आपके फाइनल ईयर के इस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्षवाद। इसमें 20 शब्दों, 50 शब्दों, 400 शब्दों में किसी भी रूप में प्रश्न आ सकता है। तो प्रत्यक्षवाद का जो संस्थापक माना जाता है समाजशास्त्र विषय में, वह ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र के संस्थापकों का एक विचार था कि मानव समाज का अध्ययन भी उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है जैसा प्राकृतिक विज्ञानों के में किया जा सकता है, इसीलिए वो समाजशास्त्र को वैज्ञानिक मानते थे। इसीलिए ऑगस्ट कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का संस्थापक भी माना जाता है। जैसे प्रत्यक्षवाद का शाब्दिक जो अर्थ है वो है जिसे प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है, अर्थात समाजशास्त्र कोई अटकलबाजी का विज्ञान नहीं, इसीलिए समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवाद कहा गया क्योंकि इसको समझा जा सकता है जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों को समझा जा सकता है। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी उन्होंने बताई, जैसे पहली अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली, अर्थात ये कोई अटकलबाजी का विज्ञान नहीं है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। दूसरा, समाज के कुछ निश्चित नियम होते हैं। तीसरा, तार्किक व्याख्या पर बल देता है प्रत्यक्ष, किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसके अलावा सामाजिक पुनर्निर्माण, सोशल रिकंस्ट्रक्शन का भी ये एक साधन है। और एक इसकी जो
महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्यक्षवाद को एक मानवतावादी धर्म माना गया है, जो धर्म और विज्ञान से संबंधित है। जिस प्रकार विज्ञान का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण का कार्य करना होता है, उसी प्रकार प्रत्यक्षवाद का भी मूल उद्देश्य मानवता के विकास की व्यवस्था करना है कि जिस प्रकार मानवता का अधिक से अधिक कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, उनकी सामाजिक या जितनी भी उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके, ये कोशिश रही है प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद के टॉपिक को हम आज को बहुत ही जनरल चर्चा कर रहे हैं ऑगस्ट कॉम्प्टी, उस रूप में हमने एक शॉर्ट रूप में प्रत्यक्षवाद को लिया है। आगे हम चैप्टर में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। अब मैं ले रहा हूँ कुछ कोट्स से, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है कॉम्प्टी का, नो यूर सेल्फ टू इम्प्रूव यूर सेल्फ। यदि आप स्वयं को जानोगे, मीन्स आप जब तक स्वयं को नहीं जानोगे आप अपने आप में बहुत अधिक सुधार नहीं कर सकते, इसलिए आप स्वयं को जानो और उसमें सुधार करो। आजकल के जो विद्यार्थी होते हैं वो स्वयं को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए गलत दिशा में भटक जाते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में कैरियर अच्छा बनाना है तो पहले खुद को समझना होगा, तभी आप स्वयं को सुधार पाएंगे। अपनी अगली कोटेशन में कॉम्प्टे की पूरी थ्योरी समाहित हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा है, टू अंडरस्टैंड ए साइंस इज नेसेसरी टू नो इट्स हिस्ट्री। यदि आपको विज्ञान को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको उसके इतिहास को समझना होगा। अर्थात इन्होंने इतिहास और विज्ञान के संगम पर बल देते हुए कहा है कि किसी भी विज्ञान को समझने के लिए उसके इतिहास को आपको जानना होगा। इतिहास को जाने बिना आप विज्ञान को नहीं समझ सकते। तो इसी प्रकार जो उनकी जो पूरी थ्योरी है ऑगस्ट कॉम्प्टे की, इसीलिए वो और समाजशास्त्रियों से थोड़े अलग हैं, क्योंकि इनकी जो अप्रोच थी वो बहुत अधिक वैज्ञानिक थी। अब हम यदि समाजशास्त्र की कुछ किताबों की चर्चा करें तो एक किताब जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रही है, ये जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म ऑगस्ट कॉम्प्टे। इस पुस्तक में ऑगस्ट कॉम्प्टे ने प्रत्यक्षवाद के बारे में एक बुनियादी चर्चा की कि प्रत्यक्षवाद क्या होता है, प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र में किस प्रकार उपयोगी होता है, प्रकार इन्होंने चर्चा की। बहुत ही सरल सी एक किताब है, यदि आपको पॉजिटिविज्म को समझना है तो आप इसे ले सकते हैं। इनकी जो एक महत्वपूर्ण अन्य किताब थी वो थी पॉजिटिव फिलॉसफी। इस किताब की वजह से ये संपूर्ण विश्व में चर्चा के केंद्र थे। इस किताब को उनकी जो ये किताब थी ये 6 खंडों में प्रकाशित हुई, जिसका पहला खंड 1830 और अंतिम खंड 1842 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में कॉम्प्टे ने प्रत्यक्षवाद की विस्तृत व्याख्या की, और इस पुस्तक में न केवल प्रत्यक्षवाद बल्कि उन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण, समाजशास्त्र की आवश्यकता, प्रकृति तथा चिंतन की 3 अवस्थाओं आदि की विस्तृत विवेचना की, और यह पुस्तक कॉम्प्टे के गूढ़ चिंतन, साहस और तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति एवं वैज्ञानिक विश्लेषण की झांकी प्रस्तुत करती है। अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि एक और पुस्तक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स। जिस प्रकार पॉजिटिव फिलॉसफी 6 खंडों में विभाजित थी, यह किताब 4 खंडों में विभाजित थी। इस किताब में उन्होंने वैज्ञानिकता की चर्चा तो की जैसे अपनी पुरानी किताब में की, इसमें इन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण की एक व्यवहारवादी योजना भी प्रस्तुत की, और इस किताब में उनकी एक प्रेमिका क्लोटाइल डी वॉक्स का भी प्रभाव स्पष्ट झलकता है। इसके अलावा जो उनकी एक अन्य चर्चित पुस्तक थी उसमें नाम आता है अर्ली पॉलिटिकल राइटिंग। उनके अनुसार जो शुरुआत में जब समाज था तो जैसी राजनीतिक व्यवस्था होती थी वो उनकी इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से झलकता है। बिल्कुल शुरुआती स्तर पर ये लिखी गई थी जो राजनीतिक व्यवस्था को दिग्दर्शित करती है। ये सब किताबें तो ऑगस्ट कॉम्प्टे के द्वारा खुद के द्वारा लिखी गई थी। अन्य जो किताब है इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ये किताब लिखी गई। इस किताब में ऑगस्ट कॉम्प्टे और उनके प्रत्यक्षवाद की चर्चा की गई है कि ऑगस्ट कॉम्प्टे और उनका प्रत्यक्षवाद किस प्रकार रहा, किस प्रकार इन्होंने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, वो इस पुस्तक में दिखाई देता है।
इसमें जो हमने पूर्व में प्रत्यक्षवाद की चर्चा की वो इस पुस्तक में दिखाई दी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आपको इस ई लेक्चर में कोई भी कमी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सीसी राजजीसी डेली क्लास के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो कोई भी आपका जो सुझाव होगा उस आधार पर मैं अपने नया जो वीडियो बनाऊंगा उसमें उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी में